हे गाइस, इन्फिनिटी न्यूज़ के 15th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना कोई वेस्ट किए गर्मा गर्म तड़कती भड़कती अपडेट्स आपके सामने लाया हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां पे आरआरआर मूवी से, क्योंकि इस मूवी को न सिर्फ यूएसए में एक बहुत ही बड़ा री रिलीज मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इससे पहले किसी भी इंडियन मूवी के लिए नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला देना, क्योंकि ये मूवी मार्च 3, 2023 को री रिलीज होने वाली है यूएसए में 200 थिएटर्स में, यानी कि ऑस्कर से बिल्कुल एक हफ्ता पहले। और शॉर्ट नए सिर्फ यहां पे ऑस्कर्स ले जाने वाली है, बल्कि यहां पे जिन लोगों ने यहां पे अभी तक मूवी नहीं देखी है यूएसए में, वो लोग भी जो है उनका दिल भी ये मूवी लूट के रख देगी। तो प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन सिनेमा। और अब चलते हैं यहां पे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी के लिए क्यों नहीं बता रहे हो, इतने खराब है क्या? तो क्वांटमेनिया ने अभी तक अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रन में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 135 मिलियन US डॉलर्स, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस यानी कि वर्ल्ड वाइड और अदर टेरिटरी से 160 मिलियन US डॉलर्स, जिसका टोटल होता है 295 मिलियन US डॉलर्स। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि सैटरडे को बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मूवी जो है अपना वीकेंड में 20 से 30 मिलियन का इजाफा और करेगी, जिसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं 320 से 330 मिलियन के पार ये मूवी चले जाने वाली है। लेकिन अगर इसके इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें या फिर नेट फिगर की बात करें, तो इंडिया में अभी इसने अपने 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो है 35 करोड़ से लेके 36 करोड़ के आसपास किया है, जो कि यहां पे नेट ट्रेड फिगर है। और कहीं ना कहीं मैं ऑनेस्टली बात कहूं तो इंडिया में इसके कलेक्शंस बेटर होंगे ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी है। और जैसे पिछली दो एंटमैन मूवी से 500 और 600 मिलियन कमा कर गई थी, वैसे ये मूवी भी जो है 500 और 600 मिलियन के बीच निपट के रह जाएगी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार ऑडियंस का ऑर्गेनिक जो रिएक्शन आया या फिर रिव्यू आया उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देखकर इसको जो है ऑडियंस सपोर्ट करेगी, लेकिन काफी सारे लोगों ने शायद ऐसा चूज किया है कि वकांडा फॉर एवर की तरह हम जो है इस मूवी को टीवी या फिर जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आने का वेट करेंगे और उसी के बाद इसको देखेंगे। अब बात कर लेते हैं वेनम 3 की, क्योंकि वेनम 3 से रिगार्डिंग टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वेनम 2 का या फिर वेनम की एक और क्लिप जो है डाली है, जहां पे उन्होंने ये बताया कि वेनम 3 जो है ऑफिशियली प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है। और आपको बता दूं कि ये मूवी जो है जून 2023 में यहां पे फिल्म के लिए स्टार्ट हो जाने वाली है, फ्लोर्स पे जाने वाली है। इसकी स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने घर वापस टेलीपोर्ट होते हुए हमें यहां पे टॉम हार्डी जो है और वेनम का कैरेक्टर जो है नजर आया था। उसके बाद किस तरीके से वो सारी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और सोनी की स्पाइडर यूनिवर्स में सिनिस्टर 6 का जो सेटअप बिठाने की कोशिश कर रहा है, उससे लिंक ये मूवी कहीं ना कहीं होने वाली है। चलो चलते हैं यहां पे डीसी की तरफ, क्योंकि यार एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से बहुत ही बैड अपडेट्स आ रही है। और ये अपडेट आ रही है कि जो इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग थे उसमें जो लोग जिन लोगों ने यहां पे मूवी को देखा है, नहीं उन्होंने इसको अभी तक की डीसीयू की सबसे वर्स्ट मूवी कहा है, बल्कि यार आधे लोग तो मूवी खत्म होने से पहले ही जो है मूवी का एंड देखने से पहले ही यहां पे उठ के चले जा रहे थे, इतने खराब इसके अर्ली रिव्यूज और रेस्पॉन्स जो है टेस्ट स्क्रीनिंग में ऑडियंस के थ्रू आ रहे हैं। और गाइस शज़ाम 2 के रिगार्डिंग भी एक बहुत ही बैड अपडेट है मेरे पास आपके लिए, क्योंकि ये मूवी जो है अपना डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो प्रेडिक्शन है ना, यहां पे बॉक्स ऑफिस मीटर्स ने या फिर इनसाइडर्स ने ये बताया कि कहीं ना कहीं ये मूवी 35 से 40 मिलियन की जो है यहां पे अपनी वीकेंड की ओपनिंग ले सकती है, जो कि सबसे लोवेस्ट है अभी तक की यहां पे डीसीयू की हो सकती है। तो वैसे ही शज़ाम 2 के लिए हाइप नहीं थी, और मुझे लगता है कि इन दोनों मूवीज के जो रिव्यूज या फिर रेस्पॉन्सेस ऑडियंस की तरफ से होने वाले हैं, उसका असर कहीं ना कहीं शायद हमें फ्लैश मूवी पे होता हुआ ना दिखे, क्योंकि यार वो मूवी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और ऐसे में यहां पे जब इन तीन मूवीज को कहा जा रहा था कि ये डीसी की रीसेट यूनिवर्स या फिर रिबूट यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है की पार्ट होने वाली है उन मूवीज को कनेक्ट करने में, तो मुझे नहीं पता यार इन बैड रिव्यूज के साथ शज़ाम 2 या फिर जो एक्वामैन 2 कहां जाने वाली है। लेकिन अब चलते हैं यहां पे एक बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, क्योंकि बताया जा रहा है कि थंडरबोल्ट्स मूवी की कास्ट में जो एक नया मेंबर ऐड हुआ है और एक बहुत ही बड़े रोल के लिए इसको ऐड किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि यहां पे स्टीवन युआन है, जिन्होंने वॉकिंग डेड में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये रोल जो है ना सिर्फ इस मूवी के लिए थंडरबोल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि एमसीयू की फ्यूचर मूवीज और एमसीयू की मल्टीवर्स सागा के लिए भी ये कैरेक्टर एक की रोल प्ले कर सकता है। अब वो क्या से यहां पे सेंट्री का रोल प्ले करने वाले या फिर किसी और विलेन का रोल यहां पे पोर्ट्रे करने वाले थंडरबोल्ट्स मूवी में, ये तो अभी नहीं बताया गया, क्योंकि इनका रोल काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है। चलो थोड़ी एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में रिसेंटली जेफ स्नाइडर ने comicbook.com को एक इंटरव्यू दिया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि यार मैं जो है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को तो एक साथ लिख रहा हूं, डेस्टिनी डायनर ग्रेटन और हमारे बीच में जो है बातें भी चल रही है, और हम जोनाथन मेजर्स को भी ऑन बोर्ड लेके आने वाले हैं कि कैंग के कैरेक्टर के साथ वो किस तरीके से यहां पे उनको
लिखा जाना चाहिए और किस तरीके से उसका पोर्ट्रेल यहाँ पे उनको दिखाया जा सकता है या फिर उनकी भी सजेशन ली जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो जो है यहाँ पे है नेमर के कैरेक्टर को यहाँ पे मूवी में लिखने के लिए, जो कि हमें ये बताता है कि नेमर का रोल आप एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी में कंफर्म समझ सकते हो। गाइस अब नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आ रही है एक्समैन 97 की तरफ से, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे जो है एक्समैन 97 की क्या रिलीज डेट होने वाली है ये हमें यहाँ पे टेंटेटिवली पता चलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे अपनी रिपोर्ट एक्समैन अपडेट्स ने ट्विटर के थ्रू शेयर की है कि यहाँ पे इसकी रिलीज डेट टेंटेटिवली जो है अभी डिज्नी प्लस पे अपकमिंग फॉल के लिए यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर के आसपास ये सीरीज जो है आपको यहाँ पे डिज्नी प्लस पे डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इस पे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसमें चेंज जो है आ सकते हैं अगर यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट प्रोडक्शन में या फिर जो है शेड्यूलिंग में कुछ डिलेज आ सकते हैं। गाइस यहाँ पे मेरे आपके लिए विजन क्वेस्ट से रिगार्डिंग एक एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि विजन क्वेस्ट की सीरीज अगले साल की 2024 के मिड तक जो है यहाँ पे फ्लोर्स पे जाएगी, शूटिंग्स पे जाएगी और करंटली यहाँ पे चार्ल्स मर्फी के अकॉर्डिंग इसकी स्क्रिप्टिंग का काम और प्री प्रोडक्शन की काम की तैयारी जोरों शोरों से चालू है। गाइस अब बात करने वाले हैं हम दी मार्वल्स के बारे में, तो क्या आपको पता है कि दी मार्वल्स एक्चुअली में डिले क्यों हुई नवंबर 2023 के डेट पे? तो गाइस अभी यहाँ पे जो है कंफर्म न्यूज ये आ रही है इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से, यहाँ पे इस मूवी को इसीलिए डिले किया गया क्योंकि बहुत सारी कमियां अभी भी जो है इसके पोस्ट प्रोडक्शन में बाकी थी और खास तौर पर से VFX अभी बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट था, जिसको एक तयशुदा डेडलाइन या फिर जो है जुलाई के पहले पहले की डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होता और आपको पॉसिबली वही प्रोडक्ट वही VFX की गलतियां जो आपको क्वांटमेनिया में देखने को मिली थी इस मूवी में ना देखने को मिले, इसीलिए मार्वल ने इसे कहीं ना कहीं जो है नवंबर की रिलीज डेट के ऊपर डिले कर दिया है। गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर मार्वल रिलीजेस की, जो कि रिसेंटली यहां पे एक रिपोर्ट के थ्रू और डेडलाइन के थ्रू भी कंफर्म हो चुका है कि यहां पे शैंग-ची की 2 की प्रोडक्शन को यहां पे न सिर्फ फास्ट ट्रैक किया जा रहा है बल्कि इसकी डेवलपमेंट मार्वल स्टूडियोज के अंदर बहुत ही तेज तरीके से हो रही है और प्लान ये किया जा रहा है कि इस मूवी को यहां पे एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से यहां पे कनेक्ट करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान है, क्योंकि आपको पता है कि डेस्टन डेनियल क्रेटन दोनों ही मूवीज को खुद से डायरेक्ट करने वाला है और ऐसे में इस मूवी की स्टोरी कहीं ना कहीं ब्रेकेज ऑफ टाइम और टाइम के राउंड जो है इर्द गिर्द यहाँ पे गोते लगाने वाली है, जहां पे हमें कैंग की भी अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इसकी रिलीज को यहाँ पे रखा जा रहा था कि 2025 के फरवरी के मंथ में यहाँ पे हमें ये मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि अब वहां पे जो है फैंटास्टिक फोर ने वो रिलीज डेट ले ली है, बताया जा रहा है कि ये मूवी कहीं ना कहीं अगर हमें एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होती हुई दिखाई दी तो शायद से कैंग डायनेस्टी की जो टेंटेटिव रिलीज डेट जो कि मई 2025 की है उसको शायद से यहाँ पे डिले भी किया जा सकता है, जिसका मतलब ये कि ये मूवी हमें शायद 2025 के एंड में या फिर 2026 में आती हुई दिखाई जाए या फिर जो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी डिले करना पड़ सकता है थोड़ी और मूवीज को यहाँ पे फिट इन करने के लिए मार्वल के फेज 5 और फेज 6 में। इटर्नल्स 2 की भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी रिलीज कैलेंडर में मार्वल स्टूडियोज के एड हो चुका है, लेकिन उसकी रिलीज डेट वो कब आएगी, क्या वो यहाँ पे फेज 6 के पहले आने वाली है, फेज 7 में आने वाली है, और कंसिडरिंग की र्यूमर भी चल रहा था कि फेज 7 को भी मार्वल स्टूडियोज अपने मल्टीवर्स सागा में लेके आने वाला है, तो अगर ये मूवी बन रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में बताया जा रहा है इस मूवी की स्क्रिप्ट के ऊपर काम तो चल रहा था लेकिन करंटली इस मूवी के ऊपर क्या प्रोग्रेशन है ये ना एक्टर्स कंफर्म कर पा रहे हैं और ना मार्वल के मेकर्स कंफर्म कर पा रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में ये है कि ये मूवी तो बन रही है लेकिन कब आएगी ये किसी को भी पता नहीं है। और कवन ऑफ क्योर्स के रिलेटेड यानी कि अगर था कि सीरीज के रिलेटेड भी आपको ये अपडेट बता दूं कि ये सीरीज भी अभी शायद इस साल शायद से नहीं आ सकती है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के रिलीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी रिलीज डेट जो है टू बी डिसाइडेड कर दी गई है, यानी कि अभी जो है रिलीज कब होगी, कहां पे मार्वल स्टूडियोज इसको रिलीज करने वाला है, किस मूवी के आगे या फिर किस मूवी के पीछे, ये डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस साल मार्वल की सिर्फ दो ही सीरीज आ सकती है, जिनमें से एक तो सीक्रेट इन्वेजन है जिसको कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सीरीज हमें मई में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी डिज्नी प्लस पे, और साथ ही में यहां पे लोकी का सीजन 2 जो कि यहां पे समर 2023 में आने वाला है, उसके अलावा कोई भी और सीरीज आपको नहीं दिख सकती है, व्हाट इफ का सीजन 2 शायद हमें इस साल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मार्वल की बड़ी सीरीज डिज्नी प्लस पे डेब्यू नहीं करने वाली है जिसमें एगाथा द कोवन ऑफ क्योर्स भी इंक्लूडेड है। गाइस ये था इंफिनिटी न्यूज़ का 15th एपिसोड, अब अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं अमन और आप देख रहे थे इंफिनिटी न्यूज़ का 15th एपिसोड ओनली ऑन सुपर मार्वल।